हेलो गाइज, मैं हूँ उमर और आप देख रहे हैं उमर ब्लॉग्स पूर्णिया। तो दोस्तों, आज हम ब्लॉग के अंतर्गत आपको एक दुखद घटना बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देख के जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत मस्त होने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अभी बात की तरफ। दोस्तों, आप जो ये नदी देख रहे हैं, यहाँ पर कल एक इंसान डूब गया था। यह नदी बिहार के पूर्णिया जिला लालगंज में है। इस नदी का नाम कोसी नदी है। तो दोस्तों, यहाँ पर कल एक विक्रमपट्टी से संजय महलदार पत्नी के साथ धान खेत आया था अपना काम करने के लिए। तो पत्नी को धान खेत में छोड़कर नदी में मछली मारने के लिए आते हैं संजय महलदार, और वो मछली मारने के दौरान उनका मृत्यु हो जाता है नदी में डूबकर। दोस्तों, मैं आपको इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बताने चाहता हूँ कि आप हमारे लालगंज के जितने भी गार्जियन हैं, वो अपने बच्चा को सावधान रखें और कंट्रोल करें, क्योंकि हर साल हमारे इस नदी में 2-3 बच्चा, बूढ़ा हो या मर्द हो, मरते रहता है नदी में डूबकर। इससे एक हफ्ता पहले कि बात मैं बोल रहा हूँ, स्कूल गया 15 साल का लड़का, स्कूल जाने के बाद घर भी नहीं गया, किताब लेके नदी आ गया था साइकिल सहित। तो दोस्तों, किताब और साइकिल ऊपर रखते हैं चारों लड़का नहाने के लिए नदी में उतरते हैं, और चार लड़का में से एक लड़का पानी के नीचे से नहीं उठता है, वो पानी के नीचे बैठे ही रह जाता है, अंत में उसका मृत्यु हो जाते हैं। फिर उसे 2-3 घंटा बाद उसे पानी से निकाला जाता है बहुत आदमी खोजने के बाद। तो दोस्तों, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, किसी को नहीं छोड़ता है इस जगह में। हर साल 2-3 मरते रहता है। तो लालगंज के निवासी को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपना बच्चा को सावधान रखें, क्योंकि आप देख रहे हैं नदी का नज़ारा कितना खतरनाक है। इस जगह में चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, हर साल 2-3 मरते रहता है। इसलिए इससे बीते साल एक भैंस, बड़े भैंस मर गया था। तो दोस्तों, आप अपना बच्चे को कंट्रोल करें और नदी आने से मना करें। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।